हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका वेलकम करता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप एक बाइक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस में, साथ साथ कैसे इसका सेटअप करेंगे और कैसे कस्टमाइजेशन करेंगे, तो वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए हमें सबसे पहले डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो इसको आप डोमेन जैसे वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये बहुत ही रिलायबल और फास्ट स्पीड वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है, जो काफ़ी लंबे समय से इंडिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप इन्हें चेक कर सकते हैं, क्योंकि इनके प्लान बहुत ही अफोर्डेबल है और सर्विस भी बहुत ही अच्छी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके डोमेन भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल हो जाते हैं। जैसा कि आप .com, .in, .xyz, .org डोमेन भी यहाँ से बाई कर सकते हैं, और शेयर और रीसेलर और VPS के भी आप इसमें प्लान चेक कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। शेयर प्लान भी आपको मतलब 59 रुपीज़ पर मंथ में स्टार्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें SSD स्टोरेज भी मिलता है, जो आपकी वेबसाइट को अच्छी स्पीड बूस्ट करता है। तो शेयर स्टोरेज में अपन देख सकते हैं कि इसमें जैसे 59 रुपीज़ पर मंथ में आपको होस्टिंग सर्विस अवेलेबल हो जाती है, जो कि सबसे चीप वेब होस्टिंग है अगर देखा जाए तो। पर इनकी जो सर्विस है वो बहुत ही फास्ट है, और चार प्लान जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं इस डोमेन लेसर के शेड के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये कि अनलिमिटेड SSD से है, फ्री SSL सर्टिफिकेट है, सी पैनल है, प्लस SEO टूल है, और क्लाउड जो सर्विस है वो भी आपको इसमें अंदर मिलती है। तो इस तरह के आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप स्टार्टिंग फेज में और आप एक बहुत ही अच्छे लेवल की वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल रेट में, या अपने क्लाइंट के लिए भी बना रहे हैं, तो आप इनके प्लान को चेक कर सकते हैं। बेसिक, पर्सनल, सिल्वर और एडवांस, जैसा कि आप चार प्लान इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको। तो इसमें जैसे अगर बेसिक प्लान के साथ जाएंगे तो आपको जो 5 GB बैंडविथ मिलेगी, वन आप वेबसाइट इसको होस्ट कर सकते हैं, और SSD पे मिलता है आपको 1 GB। पर्सनल में जैसा कि आप देख सकते हैं 99 रुपीज़ पर मंथ में इनके प्लान स्टार्ट है, और इसमें आप सिंगल वेबसाइट के साथ आपको अनलिमिटेड SSD और अनलिमिटेड जो बैंडविथ है वो आपको प्रोवाइड होती है, और साथ साथ ईमेल अकाउंट भी आप बना सकते हैं। प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट भी आप इसमें फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। सिल्वर में जैसे आप देख सकते हैं कि 169 पर मंथ में इसके प्लान अवेलेबल हो जाते हैं, जहाँ आप 3 वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं एक ही होस्टिंग के अंदर। आपको डोमेन अलग से बाय करना होगा, बट जो ये सर्विस है ये आपको जो 3 वेबसाइट आप एक साथ होस्ट कर सकते हैं। एडवांस में आपको एक डोमेन भी फ्री मिलता है, और अनलिमिटेड SSD और अनलिमिटेड जो सर्वर आपको स्पीड मिलती है, SSD स्टोरेज मिलती है इसके अंदर। तो जैसा कि मैं आपको इसका जो ये प्लान है वो बता देता हूँ, थर्ड प्लान। तो जैसा कि आप इसमें डोमेन अगर आप चाहे तो इसमें यहाँ से खुद से रजिस्टर कर सकते हैं, या आप जैसे गोडेडी या कोई और वेबसाइट से आप इसमें डोमेन परचेज करके अटैच भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक डेमो के लिए बता देता हूँ, कोई भी आप डोमेन का अपना नाम लिख दीजिएगा, और या .com या .xyz आप लिख दीजिएगा जो आपके डोमेन का एक्सटेंशन है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 ईयर के लिए हमें 2271 रुपीज़ हमको पे करना होगा। चेकआउट पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपन को नॉर्मल जो डिटेल होती है वो फिल करके हमको सीधा पेमेंट मोड सिलेक्ट करना होता है और पेमेंट करना होता है, जो कि बहुत ही आसान है। आसानी से हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उस तरह इसमें पेमेंट कर सकते हैं। तो मेरा जैसे पहले से ही परचेस किया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्लाइंट एरिया में जाकर। तो जैसे मैं एक्टिव पे क्लिक करूँगा, ये सर्विस पे कुछ इस तरह का इनका पैनल है, अंदर का पैनल जो जैसे कि आप देख सकते हैं। SEO टूल भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं दोस्तों, जो आपकी वेबसाइट को SEO करने में काम में आता है। और जैसे नेम सर्वर भी आप देख सकते हैं अपने जो डोमेन में, वो नेम सर्वर अपडेट करके आप सीधा ही कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे अपने सी पैनल में मैं लॉगिन हो जाऊंगा, अपने कंट्रोल पैनल कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जो कि बहुत ही अच्छा है, एडवांस है और काफ़ी लाइट है, आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। और इनमें आप जैसे बहुत सारे जैसे फंक्शन आप देख सकते हैं, उनको आप आसानी से यूज़ में ले सकते हैं। जैसे आप नीचे जाएंगे स्क्रिप्ट में, हम वर्डप्रेस सेलेक्ट करेंगे और वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे अपनी जो डोमेन के अंदर। अभी हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, और जो अपना डोमेन होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे, और जो नॉर्मल यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो आपको एंटर करना होगा नया, और हम अपना एक जो वर्डप्रेस अकाउंट है वो क्रिएट कर लेंगे। बहुत ही आसान है, ईजी टू यूज स्टेप है, और आसानी से आप अपनी बहुत ही अच्छी वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं इस होस्टिंग की सहायता से। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एक बार इसे जरूर चेक कीजिए, क्योंकि मैं इसे बहुत ही टाइम से इसे यूज़ में ले रहा हूँ, और मुझको बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, अब इंस्टॉल पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में, तो जैसा कि इंस्टॉल हो गया है,
तो हमारा वर्डप्रेस डैशबोर्ड में हम लॉगिन हो जाएंगे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद अपने डोमेन में। तो कुछ इस तरह का हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पोस्ट सेक्शन में जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नया ब्लॉग पोस्ट डालना चाहे तो वो आसानी से डाल सकते हैं ऐड न्यू पे क्लिक करके। और या मीडिया सेक्शन में अगर आपको नया मीडिया ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और या फिर इसमें थीम्स में जाकर आप नया कोई थीम ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और प्लगइन सेक्शन में जाकर आपको नया प्लगइन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो हम ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और या जो क्लासिक एडिटर प्लगइन है इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे, और या योस्ट सर्च करेंगे और ये इसको भी हम इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे योस्ट SEO को। ये भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के काम आएगा हमारे। तो इसको भी हम एक्टिवेट कर लिया है। अब अपीयरेंस में जाएंगे या ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे ऊपर, या सर्च करेंगे एस्ट्रा सॉरी कलर मैग CULORMAG कलर मैग। तो इसको हम सर्च करेंगे कलर मैग को और इसको भी इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। ये ब्लॉगिंग में बहुत ज़रूरी होती है ये वाला। अब गेट स्टार्टेड विद कलर मैग पे क्लिक करेंगे ऊपर। ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। अब इसमें बहुत सारे हमें रेडी टू यूज़ टेम्पलेट हमें मिल जाएंगे जिसको यूज़ में लेकर हमें बहुत ही अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं ब्लॉगिंग रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं इतने सारे टेम्पलेट अवेलेबल हैं, तो इसमें से हम एक को सिलेक्ट कर लेंगे। जो आपके सही लगे आप सुटेबल हो उसके लिए, जैसे हम ये ब्यूटी ब्लॉग टाइप हमें ऐसा ही लग रही है तो हम इसको हम इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। तो इंपोर्ट पे का क्लिक कर देंगे और 1 से 2 मिनट का इसमें आपको टाइम लग सकता है वैसे इंपोर्ट होने में। तो ये हमारा इंपोर्ट कंप्लीट हो चुका है। अब लाइव प्रीव्यू पे हम क्लिक करेंगे। तो ये कुछ इस तरह का हमारा थीम है जो आप देख सकते हैं रेडी हो गई है। अब इसको पहले हम सेटअप करेंगे कस्टमाइज करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे ब्लॉग लिखना है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप भी समझ जाए। तो एडिट विथ एलिमेंटर पर हम क्लिक करेंगे ऊपर। और एलिमेंटर टूल की मदद से मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे इसका कस्टमाइज करना है। अब यहाँ पर आप चाहे जैसे जो ऐड करना चाहते हैं इमेजेस हुए वीडियोस हुए टेक्स्ट हुए, तो आप चेंजेस करना चाहते हैं ऐड करना चाहते हैं तो ये आसानी से आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे 6 डॉट पर क्लिक करके आप कुछ नया ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और क्रॉस के निशान पर क्लिक करके आप इनको हटा भी सकते हैं। वैसे लेटेस्ट न्यूज़ को हम रहने देंगे। इसको सेक्शन को रहने देंगे, बाकी हम हटा देंगे नीचे। और प्लस के निशान क्लिक करके आप कुछ नया ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐसे कर सकते हैं। वैसे अब यहाँ टेक्स्ट हम डाल लेंगे टेक्स्ट एडिटर, और यहाँ पर आप जो टेक्स्ट डालना चाहते हो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। लेटेस्ट ब्लॉग करके आप यहाँ पर चाहे तो डिटेल डाल सकते हैं यहाँ पे लेटेस्ट ब्लॉग ईयर।
उसको अपडेट पे हम क्लिक कर देंगे, ऐसे इसको सेंट्रल में कर देंगे बोल्ड करके, उसको अपडेट पे क्लिक कर देंगे। ये सारा कंटेंट हमारा लोड हो गया था जैसे जब हम डाटा इंपोर्ट किया था, तो इसमें मैं आपको वापस बताऊंगा कि आपको नए ब्लॉक कैसे लिखने हैं। तो इसके लिए हम अपने डैशबोर्ड में आ जाएंगे सबसे पहले। और यहाँ पोस्ट सेक्शन में आएंगे, तो जो पहले पुरानी पोस्ट है जो भी आपको दिखाई दे रही है उनको सबको हटा देंगे हम एक बार, पहले सेलेक्ट ऑल पे करके। तो ये हमारी सारी हट गई है वैसे। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ उसका हेडर और फुटर आपको कैसे चेंज करना है। तो इसका जो है ऊपर और नीचे वाला पार्ट होता है हेडर और फुटर, वो हमें आएंगे कस्टमाइज पे क्लिक करके हम इसको एडिट कर सकते हैं आसानी से। पेन के निशान क्लिक करके आप इसका लोगो हुआ, मेन्यूज बार हुए, वो चेंज कर सकते हैं। लोगो मेनली पीएनजी फाइल में होता है, तो आपको पीएनजी लोगो बनाना होता है जो कि ट्रांसपेरेंट हो पीछे से बैकग्राउंड। और मेन्यूज पे निशान क्लिक करके आप इसे यूज में ले सकते हैं। और होस्टिंग के लिए मैं आपको ऐसे डोमेन जैसे रिकमेंड करता हूँ, तो आप इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं। वैसे अब जैसे ये फूटर है तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर ब्यूटी ब्लॉग पे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे पहले से 5-6 ब्लॉग हमने लिखे हुए ऑलरेडी डेमो के लिए। तो जैसे मैं एक ब्लॉग आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर टाइटल और नीचे डिस्क्रिप्शन हमारा दिया हुआ है। तो इसको आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं, यहाँ से एडिट कर सकते हैं, और ऐड न्यू पर क्लिक करके आप नया चाहे तो नया भी बना सकते हैं। नीचे एसईओ के लिए आप देख सकते हैं कोई आपको कीवर्ड डालना है या कुछ इन्फॉर्मेशन आप डालनी है, तो या जो एसईओ है वो भी आप कर सकते हैं। फीचर इमेज में आपको नई इमेज ऐड करना चाहे तो वो कर सकते हैं। टैग्स में आप नया टैग डाल सकते हैं, कैटेगरी में आप नई कैटेगरी ऐड करना चाहे तो वो कर सकते हैं। और इसको अपडेट पर हम क्लिक कर देंगे और इस लिंक को ओपन करेंगे। हम मैं दिखा देता हूँ आपको कि ब्लॉग हमारा किस तरह शो होगा। कुछ इस तरह का ब्लॉग बना है हमारा। अब जैसे कि हम होम पेज पे आ गए हैं, अब यहाँ पर एडिट एलिमेंट पर क्लिक करेंगे ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की हमारा सेटअप करना है। अब यहाँ पर आपको फिल्टर करना है यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करके, तो बाइक कैटेगरी में सेलेक्ट करके फिल्टर कर लिया, तो जो भी लेटेस्ट बाइक रिलेटेड ब्लॉग है वो यहाँ पर दिखते हैं। तो इस तरह आप कोई भी बाइक ब्लॉगिंग रिलेटेड वेबसाइट बना सकते हो, उसका सेटअप कर सकते हो, उनका कस्टमाइजेशन कर सकते हो। एक बहुत ही अच्छी लेवल की आप वेबसाइट बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप बाइक को या कोई नॉर्मल ब्लॉगिंग रिलेटेड आप वेबसाइट है वो भी आज से क्रिएट कर सकते हैं आसानी से। तो ऐसे हम एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस में, इसका हम सेटअप आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ होस्टिंग के लिए मैं आपको डोमेन जैसे रिकमेंड करता हूँ, जिसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो भी आप इसे चेक कर सकते हैं। थैंक यू।